हेलो भाइयों, मैं हूं सोनू कुमार और अभी मेरे सामने खड़ी है होंडा की एलिवेट। देखो, ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है इस गाड़ी की, तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या ऑफर करती है कंपनी। वैसे कि मैं इस शोरूम का जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा तो मैं सेल्समैन का नंबर भी दे दूंगा, आप वो जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो, गाड़ी के बारे में स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपको ऑफर करती है कंपनी वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी की वेरिएंट की बात कर लेते हैं। टोटल इस गाड़ी में आपको चार वेरिएंट मिलते हैं, जो कि है बेस वेरिएंट VS, उसके बाद आती है V, फिर VX, फिर ZX। और इस गाड़ी की बात करें तो ये हमारी टॉप मॉडल है ZX। तो देखो, इस वीडियो में हम अभी टॉप मॉडल के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कंपनी आपको ऑफर करती है और क्या क्या गाड़ी में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख लो, क्या गजब की लुक है ना इसके, बोल्ड मक। मैं बात करूँ प्राइस के हिसाब से तो देखो, एक्स शोरूम प्राइस इसकी 14.97 लाख है, वहीं ऑन रोड की बात करें तो 17.55 लाख। मैं अभी धनबाद के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 17,55,000 पड़ेगा ऑन रोड। तो ये प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ना थोड़ी सी बड़ी दिखती है, जैसे काफ़ी बड़ी बोल्ड आपको सामने से देखोगे तो बड़ी लगेगी। तो चलो, मैं आपको इसकी आगे से अच्छे से लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप हेडलाइट देखोगे तो यहाँ पे आपको डुअल LED सेटअप में हेडलाइट्स मिलेंगे और ये DRL और ये इंडिकेटर का भी काम कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल देखने को मिलता है। ये जो ग्रिल आप देख रहे हो वो ग्लॉस ब्लैक जो है वो बेस वाले वेरियंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉप मॉडल में ही आपको ग्लॉस ब्लैक का ग्रिल में वर्क देखने को मिल जाएगा। वहीं हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED फॉग लाइट भी दिया गया है और 220mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, सेगमेंट में सबसे बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इसी की है। बाकी इस साइड से देख ले हम तो गाड़ी की लुक कुछ ऐसे बन के आ जाती है। और वहीं इधर देखेंगे तो ये भी होंडा एलिवेट है, ये ऑरेंज कलर में है, बाकी वाइट, ऑरेंज और ब्लू तीन कलर है, जिसमें आपको वो कलर अगर आप चूज करते हो तो आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी इधर हम आ जाते हैं तो ये है गाड़ी की अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स डुअल कलर में देखने को मिल जाते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और इतना कुछ जो ट्रेवल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको। 220mm की ग्राउंड क्लियरेंस, भाई बहुत ऊंची लगती है गाड़ी देखने में। बाकी इधर आपको जो ये फाइबर का पार्ट है ब्लैक कलर में और ये जो आपको थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, ये थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है गाड़ी के बॉडी के कलर के हिसाब से, पता नहीं ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ इसलिए चमक रहा है। और नीचे आपको ये फाइबर की देखने को मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको गाड़ी में दो मिल जाता है और टॉप मॉडल में जो आपको क्रोम में डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं और ये भी आपको जो है क्रोम की बैंडिंग वो भी आपको गाड़ी में स्टॉक लगा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ देखने को मिल जाती है, आप अंदर से खोल सकते हो। बाकी ये है गाड़ी की रेयर लुक, काफ़ी बोल्ड और बिग जो इसकी साइज़ है वो आपको देखने को लगेगी। तीनों कलर ऑप्शन मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, जो अभी फ्रेम में आप देख रहे हो ये तीन कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाड़ी में आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाता है, डुअल टोन आपको 3 कलर में मिल जाते हैं, जिसमें आपको डुअल टोन का अगर चाहिए तो वो आपको 20,000 से 25,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। बेस वेरियंट से सेम हेडलाइट और टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको IVTEC का बेजिंग मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर आपको सिंपल देखने को मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे आपको हुक देखने को मिल जाता है और जो साइलेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को ऐसा मिलेगा। इधर आपको डिफॉगर दिया जा रहा है, वाइपर भी अवेलेबल है, ऊपर आपको साकफेन एंटीना देखने को मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको वाशर देखने को मिल रहा है। रूफ रिल्स भी आपको ग्रे कलर के गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टॉक में गाड़ी में लगी हुई आ जाती है। जैसा कि ये टॉप मॉडल है तो आपको ऐसा कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है गाड़ी की पूरी साइड लुक। मैं व्हील बेस की बात करूँ तो सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा अभी व्हील बेस इसी की मिल रही है कि या सेल्टोस और क्रेटा के कंपटीशन में बात करूँ तो इसमें आपको व्हील बेस भी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई गाड़ी की पूरी, इधर से मैं बाहर लुक दिखा देता हूँ आपको पूरा एक बार, उसके बाद हम इंटीरियर में चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या इंटीरियर में आपको कैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कीज़ की बात कर लेते हैं। देखो, कीज़ में आपको 2 बटन मिलेंगे, लॉक अनलॉक का। इसे लॉक करने पे देखो ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं मिरर, और जैसे ही आप अनलॉक करोगे ये अनफोल्ड हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा और चाबी लगाने का स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे हम लॉक करते हैं तो ये तो फोल्ड हो ही जाती है, अगर आपके हाथ में कीज़ है उसके बाद आप खोलोगे तो ये आराम से खुल जाती है, आपको बटन प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो देखो, ये है गाड़ी की पूरी इंटीरियर,
इधर हम देख लें, यहाँ आपको लेदर का स्टिचिंग देखने को मिलता है, ब्राउन कलर में लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। इधर आपको, चलो मैं अंदर बात बैठ के बात करता हूँ। तो देख रहे हो ऐसी कुछ आपको एनिमेशन बन के आ जाती जब आप गाड़ी खोल के बैठोगे। ये भाई वाइड एंगल पे शिफ्ट कर लिया है मैंने। अब देखो इतनी कुछ प्रीमियम जो है आपको केबिन देखने को मिल जाती है। लेदर में आपको अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है जो कि ब्राउन कलर में, ड्यूअल टोन कलर का आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इधर बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखो ये आपको लेदर का पार्ट देखने को मिलता है जो कि सॉफ्ट टच में है। ये भी लेदर का पार्ट है, यहाँ पे आपको फाइबर है और ग्रे कलर में आपको जो डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ सिल्वर का एसेंट आपको यूज में देखने को मिल जा रहा है। इधर भी आपको एसी के सराउंडिंग में थोड़ा सा सिल्वर का एसेंट देखने को मिल जाता है। ये हमारी एसी वेंट है और नीचे आप देखोगे तो ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ लेदर जो है पूरा प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल रही है, ये जो स्टिचिंग जो आप देख रहे हो। इधर आपको ट्रैक्शन का बटन मिल जाता है और यहाँ हेडलाइट का बीम लेवलर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील के बारे में। तो देखो यहाँ हल्का सा फ्लैट देखने को लग रहा है आपको, बाकी ज्यादा नहीं, जैसा कि सेल्टोस में देखने को मिलती है वैसी फ्लैट नहीं है, बट है हल्की थोड़ी सी फ्लैट। इधर आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है एसेंट और बीच में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा जो क्रोम में चमचमाती हुई दिख रही है आपको। ये भी लेदर स्टिचिंग के साथ आपको देखने को मिल रही है। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। काफी स्मूथ है इसकी जो एडजस्टमेंट, बहुत स्मूथ है। बाकी इधर आपको वाइपर का कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है और इधर आपको हेडलाइट यूनिट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन देखो कि बहुत थोड़ी सी अजीब मुझे लगती है, आपको बताना कैसी लगती है। यहाँ पे प्लेस किया हुआ जो आपको देखने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर कोई नया बंदा या फिर नया आदमी कोई आएगा गाड़ी में आपके और वो खोजते रह जाएगा कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन किधर है गाड़ी में, मतलब बहुत मुश्किल से देखने को लगती है। ये थोड़ी सी छुपा के प्लेस की हुई है। तो देखो यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। इधर आपको 10.25 इंचेस के टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। और वहीं हम बेस वेरिएंट में बात करें, इसके नीचे वाली वेरिएंट में, तो वहां से आपको जो है 8 इंचेस का जो टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बस टॉप मॉडल में ही आपको इतनी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जो कि है 10.25 इंचेस। इधर आपको बटन्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जिसके सराउंडिंग में कुछ वैसा नहीं है। बाकी ये जो आप ये सराउंडिंग में देखो, ये आपको सिल्वर एसेंट का यूज देखने को मिल जाता है, ये भी आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे एसी का कंट्रोल्स मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इसमें मिलती है, बीच में हजार बटन का लाइट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको वायरलेस फोन चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है जिसकी बटन यहाँ पे है। इधर बात करते हैं तो इधर आपको दो कप होल्डर देखने को मिल जाता है और ये हमारी 1.5 लीटर मैनुअल है जिसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं आप ऑटोमेटिक पे जाओगे तो इसमें आपको सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, उसमें आपको 7 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है। बाकी इधर आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, फाइबर का यूज है। ये आप देखो कि ये तो ग्लॉस ब्लैक का यूज देखने को मिलता है यहाँ पे आपको, ये भी लेदर है। बाकी ये आपको थोड़ा सा सिल्वर एसेंट का देखने को यूज मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया जा रहा है नॉर्मल टिप के साथ, यहाँ पे क्रोम टिप होता तो ज्यादा अच्छा लगता। इधर आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसके नीचे इतना कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी अपहोल्स्ट्री के बारे में। तो देखो आपको ऐसा लेदर देखने को मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी तो है ही। बाकी कंफर्टनेस की बात करें तो मुझे थोड़ा सा मतलब हार्ड वाला फीलिंग आ रहा है कि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था। जैसे कि होंडा के इमेज में बैठे होगे तो उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है रेयर सीट देखो कितनी सॉफ्ट है उसमें, इसमें वैसा नहीं आपको फील आ रहा। थोड़ा सा मतलब लंबे समय के लिए कंफर्टेबल है बट थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थकावन हो सकता है, बाकी ठीक है। और इधर आप देखोगे एक और बटन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन है यहाँ पे, वो है आपकी इल्यूमिनेशन की ब्राइटनेस बढ़ाने की। जैसे कि मैं आपको इसकी MID दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इल्यूमिनेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। इधर आपको देखो डिजिटल देखने को मिलती है, ये जो आपको RPM मीटर, बाकी ये जो स्पीडोमीटर देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा एनालॉग है, सेमी डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है इसमें। बाकी जितने भी सेटिंग वगैरह है सब आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इधर कुछ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं और अडास जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट वो सब वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इतना कुछ फीचर्स आपको अडास के लेवल में देखने को मिल रहा है।
बाकी इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीड दिखा रही है, नीचे आपको आउटसाइड का टेम्परेचर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ फ्यूल गज वगैरह देखने को मिल जा रहा है, और किलोमीटर रेंज वगैरह डिस्टेंस टू एमपीटी सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। देखो जैसे होंडा की सिटी में देखने को मिलता है ना, वैसा सेम आपको देखने को मिलेगी इसमें। देखो थोड़ा सा मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसा ही कुछ आपको होंडा की सिटी में देखने को मिल रही थी। और इसकी स्टार्ट बटन देखो कितनी ग्लो करते रहती है, देखो हल्की हल्की ग्लो करेगी, यही आपको होंडा की सारी गाड़ियों में लगभग ये वाला देखने को मिल जाता है। तो ये थी इसकी आगे के बारे में। बाकी इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वुडन फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिलेगा, छोटा सा लाइट है यहाँ पे, जिससे लाइट ऑन करोगे तो आपको दिखेगी। मैं दिखा नहीं सकता अभी, थोड़ा सा घुसाना होगा फोन को। तो ठीक है, ये तो हो गई इसकी ग्लव बॉक्स के बारे में, डिसेंट सा ग्लव बॉक्स है। इधर आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, इधर आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट की देखने को मिल जाती है। तो ठीक ठाक सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो बटन आपको दिख रहा है वो आपको वायरलेस चार्जर के लिए। तो इतनी कुछ हो गई फ्रंट के बारे में। बाकी स्पीकर की बात करें तो इसमें साउंड सिस्टम की तो 4 स्पीकर और 4 ट्विटर देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी डिसेंट है इसकी, मारुति से ज्यादा बेटर है। बाकी इधर आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल रहा है, ये आपके कैबिन लैंप देखने को मिल जाती है LED में, और यहाँ पे आपको सनरूफ का बटन देखने को मिलता है। इधर आपको देखो वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो जाती है। बाकी एयरबैग की बात करें सेफ्टी में तो ABS, EBD, हिल असिस्ट, पार्क लेन असिस्ट, ये सब वगैरह फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं 6 एयरबैग के साथ। देखो इसके नीचे वाले वेरिएंट में आप जाओगे तो उसमें आपको 2 ही एयरबैग देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा सुधारना चाहिए इस गाड़ी में कि आपको कम से कम नहीं भी तो बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसा कि होंडा के एक्स्ट्रा और टाटा नेक्सॉन में आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग देखने को मिल रहा है, कंपनी ऑफर कर रही है, तो इसमें भी कर देना चाहिए। जैसा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी रेटिंग वगैरह, मतलब सेफ्टी क्रैश टेस्ट तो होंडा इमेज की शायद नहीं हुई है, बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है। बस इसमें क्या है कि वेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर जो है उसमें आप 6 एयरबैग इंक्लूड कर देते तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। तो ये थी इसकी फ्रंट रो के बारे में। बाकी इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आपको 17.5-17.55 अगर आपको ऑन रोड देने हो पड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये हो सकता था कि बाकी गाड़ियों में आपको सेम सेगमेंट के गाड़ियों में थोड़ा सा बड़ा सनरूफ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये सनरूफ है ना बड़ा हो सकता था इस प्राइस रेंज में। जैसे कि क्रेटा में आपको देखो पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है, जैसा कि अभी का जो मॉडर्न टाइम है ये थोड़ा सा होंडा जो है ना पीछे चलते हैं, तो हो सकता था 17-55 के आसपास अगर आपको ये ऑन रोड देना पड़ रहा है तो आपको इसमें एक चीज मैं बता दूं, पैनारोमिक सनरूफ आप इसमें ले सकते थे, जैसा कि इसमें आपको नहीं मिलता। क्रेटा और सेल्टोस ये सब दो गाड़ियों में आपको जो मेन राइवल है इसकी उसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, हाँ मैं आपको खोल के दिखाऊं, देखो इतनी कुछ सनरूफ जो आपको खुलती हुई देखने को मिल जाती है। अब मैं इसको बंद करता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है, और शेड को आपको हाथ से ही बंद करना होगा, ये शेड भी काफी स्मूथ है तो ऐसा कुछ हो जाता है। बाकी इधर एक मैं चीज में दिखाना भूल गया कि यहाँ जैसे कैमरा है वहाँ उस साइड में आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें, आपको भले ही पीछे का पार्किंग कैमरा मिल जाता है और लेन वॉच कैमरा यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन भी सपोर्ट करती है, जैसा कि आप इतनी स्क्रीन में कुछ और चला सकते हो और बाकी के स्क्रीन में कुछ और चला सकते हो, तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है जिसको आप यहाँ से ये बटन है इसको प्रेस करोगे तो वो ऑफ भी हो जाती है, और जैसा ही आप इंडिकेटर दोगे तो भी वो ऑन हो जाती है। तो इस साइड ही आपको कैमरा मिलता है लेन वॉच का, इस साइड में आपको नहीं मिलता। तो जैसे इंडिकेटर आप इस साइड की दोगे तो ही वो कैमरा आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाता है जिसको आप प्रेस करोगे तो वो कैमरा ऑन हो जाती है, जैसा कि ये वाला फंक्शन आपको होंडा की सिटी में भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसा कुछ हो गया। बाकी पीछे आपको दिखा दूं तो 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और रेयर में भी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। पीछे आपको चल के दिखा देता हूं मैं क्या क्या आपको देखने को मिलती है। देखो
ये इसकी सेकेंड रो, जैसा कि ये सीट जो है पूरी पीछे की हुई है, मैंने पूरा पीछे कर लिया था इसको, उसके बाद भी यहाँ पे इतनी कुछ जो है लेग रूम बच रही है, तो काफी ज्यादा जो है ये आपको स्पेसियस केबिन प्रोवाइड करा रही है होंडा। अच्छा है भाई, स्पेस तो बहुत है, बाकी तीन पर्सन को भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस ये थोड़ा सा आप देखो, एक बात बताऊं तो देखो, ये जो है ना बीच का पोर्शन, ये थोड़ा उठा हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या ये कंपनी चाहती है कि इसमें दो ही पर्सन बैठे पीछे, तो ठीक है ये थोड़ा सा उठा हुआ है। देखो इतना जो पोर्शन है ये थोड़ा सा हल्का उठा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो सकता है जो बीच में बैठेगा पर्सन। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट देखने को मिल जाता है, और सीट बेल्ट भी आपको पीछे आपको देखने को मिल जाता है, तीन सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलेंगे ही आपको। इधर आपको केबिन लैंप देखने को मिल जा रहा है जो कि एलईडी में है। देखो बाकी गाड़ियों में जैसे इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे गाड़ियों में जो है हैलोजन केबिन लैंप देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एलईडी लैंप देखने को मिल रही है। और एसी का एक कंट्रोल में बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे आपको मैक्स कंट्रोल का बटन दिया गया है, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे ना तो ये जो केबिन है मैक्स जो इसकी पोटेंशियल है एसी उस टेम्परेचर को सेट कर देगी। बाकी रेयर के लिए यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं, और इधर आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ क्रोम सिल्वर एसेंट का यूज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बोतल होल्डर यहाँ पे आपको दो मिल जाता है, बोतल खैर एक अट सकता है मेरे ख्याल से, ये थोड़ी सी बैंड है तो यहाँ पे एक ही बोतल अट सकता है शायद से, प्रैक्टिकल में नहीं देखा। उसके बाद अब पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, और काफी अच्छी व्यू जो है पीछे की मिल जा रही है आपको। इधर देखो ZX की स्टिकर देखने को मिल रही है। तो आप बताना कि 1755 के हिसाब से ये गाड़ी आपको लेनी हो तो कैसी आपको लग रही है? बस मैं बता रहा हूँ, मुझे एक ही कमी लग रही है कि पैनारोमिक सनरूफ का इसमें कमी है, और वैसा कोई मेजर कमी मुझे देखने को नहीं मिली। तो चलो अब मैं चल के दिखा देता हूँ आपको बूट, अब बूट में बात करेंगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, और ये होंडा की बेजिंग मिल जाएगी, लाइसेंस प्लेट लाइट भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, और ये है इसकी पार्सल ट्रे, और ये है इसकी 458 लीटर की बूट कैपेसिटी, बहुत बड़ी सबसे बड़ी सेगमेंट में यही आपको बूट कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे हुक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बूट लैम्प हैलोजन में मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाती है। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगी जो कि है 215/60 R16, तो एक साइज छोटी मिलती है, बाकी के जो आपको टायर्स मिलते हैं वो R17 के, इधर भी आपको हुक देखने को मिल जाता है। तो ये थी इसकी सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट, बाकी ये हो गई ऐसे कुछ आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो देखो इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन मिलता है जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, यहाँ से आप पहले गाड़ी बंद कर लेता हूँ मैं, सेगमेंट की सबसे पावरफुल इंजन है, दिखाता हूँ मैं, यहाँ से आप बोनट खोल सकते हो और यहाँ से आपको फ्यूल लिड खोलने का देखने को मिल जाता है। बाकी एडजस्टेबल हाइट के अकॉर्डिंग सीट आपको मिलती है, आगे भी कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो, ये तो नॉर्मल है। बाकी हम खोल के दिखाता हूँ मैं आपको बोनट, यहाँ से खुलती है, तो ये है सबसे रिलायबल इंजन फोर सिलेंडर वाली होंडा की, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करती है 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क। तो देखो ऐसी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको, और ये है इसके इंसुलेशन वगैरह, बोनट का वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, नीचे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, कुछ तो दिख नहीं रहा है आर पार, तो मतलब नीचे आपको अच्छा खासा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करा रही है कंपनी। इतना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा इसका बोनट बंद करने के लिए।
तो ठीक है, आप बताओ ना, मैंने वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया आपको डिटेल में क्या आपको प्राइसिंग वगैरह है। तो ये थी पूरी वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।